देखो सर, अब हमारे पास क्या है, हम डायरेक्ट बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं। मेरे साथ साथ करेंगे और आज ही इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज दिमाग में आएगी, वरना एग्जाम तक आप मुझसे यही वाली एक्सरसाइज मालूम करते रहेंगे। सर ये एक्सरसाइज एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, इसलिए अच्छा हो गया कि अगर हम आज ही इसको कंप्लीट करें। जी सर, हमारे पास ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है और एक एग्जांपल भी है, तो वो आप करेंगे मेरे सामने ही। अभी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको इजी वे में लेते हैं, बहुत सिंपल करके। हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए। जी सर, हमारे पास क्या है, हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिए पहले। तो साइन ए सेक ए और टेन ए को आपको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। साइन सेक और टेन की कॉट के साथ क्या रिश्तेदारी है, ठीक है सर। इन टर्म्स ऑफ का क्या मतलब है भाई, एक तो मेरी अपनी आइडेंटिटी है कि आई एम नवाज खान, लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़े अपने वालिद साहब के नाम से, भाई साहब के नाम से। मुझे कोई कह सकता है कि ब्रदर ऑफ मोहम्मद नवाज, तो नाउ मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई, अब वो भी अपने नवाज साहब के भाई बात। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि भाई साइन सेक टेन की कॉट के साथ, जैसे आप एक तो आपको वैसे ही पता है डायरेक्ट, क्या पता है कि टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। आप टेन ना लिख के वन अपॉन कॉट लिख सकते, तो एक आंसर तो हमारा यही है सर, टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ। लेकिन मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं, हमें किस टर्म में लाना है, हमें प्रेजेंट करना है कॉट की टर्म्स में। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं, लेट कॉट ए इज इक्वल टू एक्स। सब बच्चे ध्यान से देख लो, अगर हमें अपने साइन कॉस टेन को कॉट में लाना है तो हमने कॉट को एक्स मान लिया। अगर हम एक्स सपोज कर रहे हैं तो फिर हम इसको एक्स बाई वन भी सपोज कर रहे हैं। अगर हम इसको एक्स बाई वन कर रहे हैं तो हमें मालूम है कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बेस हो गया एक्स और हमारा परपेंडिकुलर हो गया वन, और हमें फाइंड करना है एच। तो एच अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमें एच निकालना होगा, इट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। भाई बात समझ में आ रही है क्या, यस सर। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कर रहे हैं, कोई ज्यादा परेशानी। कॉट को हमने एक्स मान लिया तो बाई वन तो हम कर ही सकते हैं, तो एक्स बाई वन, बट कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन दैट केस बेस इज एक्स, परपेंडिकुलर इज वन, सो वी नीड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो एच हमारे पास आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए बेटे, अगर आपके पास है बेस है आपके पास, ठीक है सर, आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास हाइपोटेनस है, तो क्या मेरे बच्चे आप साइन मुझे बता सकते हैं कि साइन क्या होगा। अभी साइन क्या होता है, पी अपॉन साइन एच साइन होता है पी बाई एच। पी हमारे पास कितना है, वन एच हमारे पास कितना है, व्हाट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इज एक्स। एक्स आपने किसको सपोज किया था, एक्स आपने किसको लिया था, और
एक एक्स हमने सपोज किया है कॉट को, तो हमारे पास क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, यही हमारा आंसर है। साइन जो होता है वन अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। इन द सेम मैनर अगर आप कहें कि कॉस निकालना है तो कॉस होगा बी बाई एच, हमारा बी है एक्स और एच है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेकिन x तो हमने cot को माना है, cot a upon under root cot square a plus 1। In the same manner अगर मैं आपसे कहूँ tan निकालिए, तो tan होता है p by b, p हमारा 1 है, b हमारा x है और x हमारा, ठीक है सर, cot है। तो क्या सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. इसको आप नोट करिए पहले। सर रिपीट करें। पहले नोट करिए बेटे, रिपीट करें। थोड़ा सा समझ में आएगा जब आप लिखोगे ना, तो भी चीज क्लियर होगी, फिर दूसरा भी करेंगे। करो शाबाश। Done, sir.
हाँ जी सर, हो गया ये? यस सर जी। बटालियन देखो बेटे, जरा प्लीज इधर देखो, सेम क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ये वाला नहीं समझ में आया, थोड़ा सा तो इससे समझ में आ जाना चाहिए। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक। ऑल का मतलब रेस्ट ऑफ ऑल रेशियो। सेक तो हमारे पास है यहाँ, तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, इन सबको रिश्तेदारी सेक से बता। चलो पहले देखो जरा, मैं एक चीज और सिखा दूंगा। एक तो हमने ये x से लिया है, एक आप रिलेशन जो है, जो फॉर्मूलाज हैं उससे भी आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो भी देखो। सपोज करो मुझे साइन को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ sec, तो साइन को sec के साथ कैसे कर सकते हैं? तो एक तो हमारे डायरेक्ट रिलेटिव होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं सर, ठीक है, क्लोज हो थोड़ा सा दूर के। पूरी कहानी यहाँ पे कि भाई साइन का रिलेशन कॉस से है, सर कॉस का रिलेशन साइन से, जो इजी है वो फर्स्ट वाला ही है। लेकिन सोचो हम इस तरह से भी सोच सकते थे कैसे, प्लीज ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर ए is equals to 1 minus cos square a, जो हमने अभी फॉर्मूले ड्राइव किए थे। sin square a जो होता है बेटे, वो 1 minus cos square a होता है। फॉर्मूले की शीट आप सामने रखेंगे तो हो जाएगा। और cos जो होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है। तो ये रिलेशन हुआ sin square a का रिलेशन sec के साथ। डायरेक्ट तो कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बट कॉस को बीच में रख के रिश्तेदारी बनाई। बट हमारे पास तो साइन है, स्क्वायर नहीं है, तो फिर साइन अगर हम इधर लेंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। कुछ समझ में आई क्या ये वाली बात भी आप सब बच्चों को? हमारे पास क्या है बिटिया, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। तो यहां से मैंने आपसे कहा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटे sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर। न्यूमरेटर का तो कोई अंडर रूट आएगा नहीं, वो तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 ही रहेगा, बट नीचे स्क्वायर है तो उससे स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। तो फाइनली ये आंसर। तो एक मेथड ये भी हो सकता है अगर कुछ बच्चे समझना चाहे तो। बट अगेन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऑल अदर रेशियो साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, इन सबको आप sec के टर्म्स में चेंज करो। तो जिस टर्म में आपको चेंज करना है उसको आप सपोज करिए, लेट sec a इज इक्वल्स टू x। व्हाट इज x? x इज x by 1। व्हाट इज sec? sec इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आपका हाइपोटेनस इक्वल हो गया x के और बेस इक्वल हो गया 1। वी नीड परपेंडिकुलर। सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो जरा परपेंडिकुलर फाइंड करो बेटे क्या आएगा। तो हमारे पास आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा बेटे x स्क्वायर माइनस 1 और सिंपली परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब मुझे आप बताओ साइन क्या होगा, एक बता दो, बाकी तो सब अपने आप ही आगे चले जाएंगे।
What is sine? So under root x square minus 1 upon p by h hota hai bete? Yes. Yes sir. What is p? Upon x. What is p? What is h? X. आपने x किसको suppose किया है? Sec. Sec. Under root sec square a minus 1 upon sec. अब सब बच्चे बताओ सबको समझ में आया या नहीं है? Yes sir. Yes sir. ठीक है अच्छा tan बताओ चलो कौन बच्चा बताएगा मुझे tan क्या होगा? Tan होता क्या है बेटे? P upon B. What is P? Root x square minus 1. Very good. What is base? 1. X आपने किसको लिया था बेटे? Sec square. That's free हमारे पास. कर सकते हैं आप इसको इस तरह से या नहीं? Yes sir. Yes sir. अब समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes sir. Very nice. चलो जी एक क्वेश्चन और देख लो जरा ये भी इजी क्वेश्चन है